जय जिनेंद्र, मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। संधारा साधिका उप परिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी की सुशिष्य, उत्तर भारतीय परिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्य, जिन शासन पारसमणि श्री संता जी महाराज, प्रवचन भास्कर डॉक्टर श्री सुयशा जी महाराज, वीर शिरोमणि श्री प्रगति जी महाराज, श्री मैत्री जी महाराज, श्री मनस्वी जी महाराज, श्री रत्ना जी महाराज, श्री गाथा जी महाराज और श्री चुलिका जी महाराज, थाने 8, श्री श्याम मुनि जैन चैरिटेबल ट्रस्ट SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रवचन और पाठ सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जैन भक्त भाई बहन भाग लेकर पुण्योपार्जन कर रहे हैं। संधारा साधिका उप परिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी की सुशिष्य, उत्तर भारतीय परिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्य, जिन शासन पारसमणि श्री संता जी महाराज, प्रवचन भास्कर डॉक्टर श्री सुयशा जी महाराज, वीर शिरोमणि श्री प्रगति जी महाराज, श्री मैत्री जी महाराज, श्री मनस्वी जी महाराज, श्री रत्ना जी महाराज, श्री गाथा जी महाराज और श्री चुलिका जी महाराज, थाने 8, श्री श्याम मुनि जैन चैरिटेबल ट्रस्ट SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रवचन और पाठ सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जैन भक्त भाई बहन भाग लेकर पुण्योपार्जन कर रहे हैं। जय गुरु निजी महाराज, जय जय गुरु निजी महाराज, मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करती रहूं असंख्य जीवियं मापमाए, जरोवनियस हुनतितान एवं वेयाना ही जन पमते, किन्नो विहिंसा अजया गहन्ति। ज्येष्ठ शिष्य प्रभु महावीर के अंतेवासी गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, इस दुनिया में हम कैसे रहें जिससे कर्मों का बंधन ना हो, कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे दुनिया के काम करें जिससे पाप कर्मों का बंधन ना हो। सवाल क्या है? सूत्र की भाषा में जैन आगमों के अंदर कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम मासे, कहम से, कहम भुजंतो भासंतो पाव कमंग ना बंदे। हे प्रभु, कहम चरे, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे भोग भोगें जिसे पाप कर्म का बंधन। भगवान महावीर स्वामी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई लाग लपेट नहीं, कोई अपने पराये का भेद नहीं रखा, सबके लिए कहा है प्रभु महावीर ने, चाहे साधु है चाहे श्रावक है, हर साधक के लिए कहा है, जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम मासे, जयम से, जयम भुजंतो भासंतो पाव कमंग ना बंदे। क्या कहा? यतना से चले, यतना से उठें, यतना से बैठें, यतना से खाएं, यतना से पिए, यतना पूर्वक हर काम करें तो पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। यतना यानी हर काम विवेक से करें, हर काम होश पूर्वक करें, यानी ध्यान से करें रहेगी। जिसने स्वयं को पढ़ना सीख लिया, दूसरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्वयं को समझ लिया, जान लिया दूसरों को जानने की। कमाने के लिए धन तो कमाते लोग निश दिने, मगर ईमानदारी से कमाना किसको आता है,
मगरी माँ ने दारी से कमाना, पुजारी सत्य का बन कर दिखाना, किसको यहाँ लेकर जन्म जीवन बिताना, किसको खिलाना, किसको आता है विदुर बन प्रेम से परंतु खिलाना, मोहब्बत करते मतलब से हजारों हमने देखे हैं, मोहब्बत का लगाना किसको आता है बिना मतलब, मोहब्बत का लगाना किसको आता है, पुजारी सत्य का बन कर दिखाना, किसको आता यहाँ लेकर जन्म जीवन बिताना, किसको आता है। हर कर्म निष्काम होना चाहिए, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं। आप सेवा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, आपका हर कर्म, आपकी हर क्रिया घर के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, जो भी आप समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर कर्म निष्काम होना चाहिए। कोई कामना नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई भावना नहीं, केवल धर्म समझ कर करेंगे, आत्मा की शुद्धि के लिए करेंगे, तो कर्मों की निर्जरा है, आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। साग नहीं खाना, सलाद नहीं खाना और स्ट्रॉबेरी भी नहीं खानी। हाथ जोड़ लीजिए। स्ट्रॉबेरी, सलाद और साग का त्याग केवल आज के लिए अपने अपने मंदिर दाना जन भगवान देता त्याग वो सरे और आज 20 तरीके 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ आईने में की एक एक माला सभी भाई बहनों ने करनी है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ आईने में की एक एक माला सभी भाई बहनों ने करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए, जिन जिन बहनों ने काशने करनी है या कोई भी तपस्या करनी हो, सूर्य काशने तप सिखाना तब सासा करना सावत्य करना तस बंधे पड़का मैं निंदा मैं करी आमी त्याग वो श्री श्री चत्ता हरि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्थो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा हरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पनत्थो धम्मो लोगुत्मा चत्तारी शरणम पवज्जे हरिहंता शरणम पवज्जे सिद्धा शरणम पवज्जे साहू शरणम पवज्जे केवली पनत्थो धम्मो शरणम पवज्जे हरिहंत शरणा सिद्ध शरणा साहू शरणा केवली रुपया दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका जर। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप योगी लौह पुरुष पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज आदि ठाणा धर्म प्रभावक विद्वान संत मधुर प्रवचनकार गुरुदेव श्री सौरभ मुनि जी महाराज और परम पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के पौत्र शिष्य श्री सिद्धम मुनि जी महाराज ठाणे एक विजय इंद्र नगर डाबा रोड स्थित आराधना भवन में विराजमान है और साध्वी श्री ऐशना जी महाराज साध्वी श्री जयंती जी महाराज साध्वी श्री प्रतिज्ञा जी महाराज साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज और साध्वी प्रसिद्धि जी महाराज पूज्य श्री शालिग्राम जैन भवन विजेंद्र नगर डाबा रोड लुधियाना में विराजमान है, जहां सभी साधु साध्वियों की पावन निश्रा में पाठ और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन
लाभ ले रहे हैं। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप योगी लौह पुरुष पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज आदि ठाणा धर्म प्रभावक विद्वान संत मधुर प्रवचनकार गुरुदेव श्री सौरभ मुनि जी महाराज और परम पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के पौत्र शिष्य श्री सिद्धम मुनि जी महाराज ठाणे एक विजय इंद्र नगर डाबा रोड स्थित आराधना भवन में विराजमान है और साध्वी श्री ऐशना जी महाराज साध्वी श्री जयंती जी महाराज साध्वी श्री प्रतिज्ञा जी महाराज साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज और साध्वी प्रसिद्धि जी महाराज पूज्य श्री शालिग्राम जैन भवन विजेंद्र नगर डाबा रोड लुधियाना में विराजमान है, जहां सभी साधु साध्वियों की पावन निश्रा में पाठ और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन लाभ ले रहे हैं। हमारी भावना है, हम आराध्य गुरुदेव लोह पुरुष श्री ओम मुनि जी महाराज के चरणों की ओर बढ़े। गुरुदेव डेरावासी में विराजमान है और वहाँ से आगे साडोरा की ओर बढ़ेंगे, करम सा लुधियाने की ओर बढ़ेंगे, तो हमारी ऐसी भावना है। बाकी फरसना जैसी रहेगी और सभी के लिए विनती है, सभी को पहुँचना और उसमें लाभ लेना, शोभा बढ़ाना, इस बात का जरूर जरूर क्या करिए, ध्यान रखिए। आगामी जो होली चातुर्मास है, तप योगी श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज मुनि वृंद और साध्वी वृंद का आगामी होली चातुर्मास 1 मार्च को इसी जगह रहेगा। सत्ताईस 28 और 1 तारीख को तेले तप की आराधना होगा और 2 तारीख को मंगलमय मंगल पाठ प्रभात कालीन आपको क्या करेगा, 6:30 बजे मंगलमय मंगल पाठ आपको सुनने का लाभ होगा। और इसका भी आप क्या करें, जरूर जरूर ध्यान रखें, इन सभी कार्यक्रम के अंदर सद्भावना के साथ में जरूर जरूर भाग लें। ऐसी मंगल भावना, ऐसी प्रेरणा और ऐसी आज की सूचना है। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलि प्रणतुधौ मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलि प्रणतुधौ लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवलि प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि ये चार शरण दुकारण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। सिद्ध पीठ स्थान ट्रस्ट दंडी स्वामी मंदिर समराला रोड लुधियाना में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आज भजन गायन सहित पूजा की गई। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि 40 वर्ष पहले माता सत्यावती जी ने ब्रह्मलीन पंडित जगदीश चंद्र कोमल जी को यह स्थान समर्पित किया था। हर वर्ष फाल्गुन मास में 5वीं तिथि के दिन मूर्ति स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सिद्ध पीठ स्थान ट्रस्ट दंडी स्वामी मंदिर समराला रोड लुधियाना में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आज भजन गायन सहित पूजा की गई। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि 40 वर्ष पहले माता सत्यावती जी ने ब्रह्मलीन पंडित जगदीश चंद्र कोमल जी को यह स्थान समर्पित किया था। हर वर्ष फाल्गुन मास में 5वीं तिथि के दिन मूर्ति स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। Oh!
स्थान आज से 40 वर्ष पहले माता सत्यवती जी ने परमादरणीय परम श्रद्धे ब्रह्मलीन पंडित जगदीश चंद्र कोमल जी को ये स्थान समर्पित किया था, ये कहकर कि मुझे रात में स्वप्न में महाराज जी आए और उन्होंने ये स्थान इस मंदिर बनने के लिए माता जी ने इच्छा प्रकट की और महाराज जी ने इसकी स्वीकृति दी और पूज्य पंडित जगदीश चंद्र कोमल जी के सत प्रयास से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये स्थान आज सिद्धपीठ की शाखा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर फाल्गुन मास में प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पंचमी तिथि के दिन बड़े धूमधाम से और श्रद्धा पूर्वक उल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे सिद्धपीठ की जितने भी सेवा दल हैं, सेवा करने वाले और संकीर्तन मंडल यहाँ पर आकर महाराज जी के चरणों में हाजिरी देते हैं। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। तेरापन समाज की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि श्री जैन श्वेतांबर तेरापन महासभा ने समाज सेवक कुलदीप जैन को राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य व आंचलिक पंजाब प्रभारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि कुलदीप जैन इससे पूर्व भी अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पंजाब प्रांतीय तेरापन सभा के महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कुलदीप सुराना जी तेरापन जैन समाज सहित सिविल सेवाओं की परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग देने वाले संगठन संकल्प के स्थानीय महामंत्री के तौर पर कार्यरत रहकर भी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा कुलदीप जैन समय समय पर तेरापन सभा की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित रक्तदान शिविरों व सेवा के कार्यों में तत्पर रहकर समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। कुलदीप जैन ने श्री जैन श्वेतांबर तेरापन महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महासभा ने उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन्हें वे पूर्ण निष्ठा भाव से निभाते हुए पूरे जैन समाज के उत्थान हेतु कार्य करते रहेंगे। तेरापन समाज की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि श्री जैन श्वेतांबर तेरापन महासभा ने समाज सेवक कुलदीप जैन को राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य व आंचलिक पंजाब प्रभारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि कुलदीप जैन इससे पूर्व भी अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पंजाब प्रांतीय तेरापन सभा के महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कुलदीप सुराना जी तेरापन जैन समाज सहित सिविल सेवाओं की परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग देने वाले संगठन संकल्प के स्थानीय महामंत्री के तौर पर कार्यरत रहकर भी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा कुलदीप जैन समय समय पर तेरापन सभा की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित रक्तदान शिविरों व सेवा के कार्यों में तत्पर रहकर समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। कुलदीप जैन ने श्री जैन श्वेतांबर तेरापन महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महासभा ने उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन्हें वे पूर्ण निष्ठा भाव से निभाते हुए पूरे जैन समाज के उत्थान हेतु कार्य करते रहेंगे। लुधियाना से भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। जब इंसान अपने चारों तरफ दर्द देखकर बिलक उठता है, तब वह बढ़ता है दर्दियों के आंसू पोंछने। आचार्य आत्मा राम जी के आशीर्वाद और उपाध्याय श्रवण फूलचंद जी महाराज जी की प्रेरणा से सुशील कुमार जी ने 13 अप्रैल 1999 बैसाखी के शुभ दिन दो डॉक्टरों के साथ एक छोटी डिस्पेंसरी शुरू की थी। हाथों से हाथ मिलते गए, जिससे बढ़ती दान राशि और समय के साथ छोटी डिस्पेंसरी ने अस्पताल का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 40 डॉक्टर और 110 कर्मचारियों की टीम मरीजों की सेवा में लगी हुई है। अस्पताल में फ्री आंखों का चेकअप, 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे एम्बुलेंस, 24 घंटे पैथोलॉजी सहित कम कीमतों पर सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भी 501, 5001 या अपनी इच्छा अनुसार दान राशि देकर गरीब मरीजों की मदद कर सकते हैं। नीले सरोवर से जल लेके आना मेरे प्रभु के नावन के लिए।
विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, हौसलों और जज्बों की वो इमारत जिसकी नींव विश्वास पर टिकी है, लुधियाना का बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल जहां लगे अति आधुनिक इक्विपमेंट्स, देश के बेहतरीन फेमस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स को स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। अफोर्डेबल प्राइस में एक हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट लुधियाना के लोगों के लिए समर्पित है, जिसके पीछे का मकसद लुधियाना शहर में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हर किसी को मिले। डेंटल, आईज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन और कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर में सभी संभव प्रयास द्वारा पेशेंट्स की देखभाल की जाती है और यही क्वालिटी विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर को जीवन रक्षक का दर्जा दिलाती है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। फिरोजपुर में मालवा जागरण सुधार कमेटी की तरफ से जिला फिरोजपुर की सभी जागरण कमेटियों के नुमाइंदों को एकत्रित कर फिरोजपुर छावनी के दशहरा पार्क में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जागरण कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने जागरण और शोभा यात्रा में देवी देवताओं की सजाई जाने वाली झांकियों को बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि इससे हिंदू धर्म का अपमान होता है। मालवा जागरण सुधार कमेटी के प्रधान विनय कुमार सोढ़ी और फिरोजपुर शहर जागरण कमेटी के प्रधान राधेश्याम ने कहा कि फिरोजपुर के सभी जागरण मंडलियों ने सर्वसहमति से यह फैसला लिया है कि जागरण और शोभा यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे हिंदू धर्म का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से इस बारे कानून बनाने की भी अपील करेंगे। मालवा सुधार कमेटी, जागरण सुधार कमेटी वालों अज फिरोजपुर शहर ते छावनी की मीटिंग की गई, जिस विच झाकियां ना बनाउण दी बेनती की गई। इस बेनती नूं कबूल करदिआं होइआं ये सर्वसम्मति दे नाल अज विजय सोनी जी, अपना महंत गणेशी जी ते जिन्नियां भी छावनी दीआं पार्टियां इत्थे इकट्ठियां होईआं हन, उन्हां वल्लों ये आश्वासन दवाया गया है कि जागरण दे विच झाकियां ना कीती नहीं बनावांगे, झाकियां नहीं कीतियां जाणगे। जनता दा अपील कर रहे हैं, वो भी ना करे। जो असी इन्हां नूं अपील कीती है, ये साडी अपील जागरण सुधार कमेटी वालों असी इन्हां दी बड़ा धन्नवाद करते हैं। जय माता दी जी। जिहड़ा जागरण दे विच आपां देवी देवतिआं दीआं झाकियां बनाउंदे हां, उहनां दे सरूप बना के झाकियां पेश करदे हां, उहदे संबंध विच शहर ते छावनी दीआं जिन्नियां भी जागरण मंडलियां उन्हां दे संतां महंतां नूं बुलाया गया और उन्दे विच विचार कीते गए भी इह जिहड़ियां झाकियां ने इह बंद होणियां चाहीदियां, और सारियां जिन्नियां भी जागरण मंडलियां शहर दीआं और छावनी दीआं उन्हां ने सारिआं ने सर्वसम्मति नाल इह फैसला कीता कि असीं जागरण दे विच शोभा यात्रा दे विच जिहड़ियां झाकियां ने उन्हां नूं बंद करांगे और झाकियां नहीं दिखावांगे, तां जो जिहड़ा हिंदू धर्म दी आस्था है जिहड़ी गिर रही है, हिंदू धर्म नूं ठेस लग रही है, उस नूं बचाउण दे वास्ते जिहड़ा है असीं उपराला कीता। मालवा जागरण सुधार कमेटी इस उपराले नूं अगे वधा रही है, मिसाल जगाईए। देखो प्रभु की कृपा दे नाल इहदा चानण कित्थों कित्थों तक जांदा है। असीं तां उम्मीद करांगे कि सारे हिंदुस्तान दे विच ही साडा मैसेज जावे और इह जिहड़ियां झाकियां बंदियां ने उहनां नूं बंद कीता जावे। हिंदू धर्म नूं आस्था नूं ठेस लग रही है, उहनूं रोकण वास्ते असीं मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपील करांगे कि उह कोई ना कोई ऐसा कानून लै के आण ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਵਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਕਾ ਆਯੋਜਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਸੇ 3 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੇ ਲੇਕਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਚੌਕ ਸੁਮਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। इस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आचार्य श्री हरि कृष्ण जी महाराज हरिद्वार वाले द्वारा कथा व्यास की जाएगी। इस आयोजन की तैयारियों संबंधी आज एक विशेष मीटिंग की गई। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा व लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी की ओर से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 25 फरवरी से 3 मार्च 2018 तक
प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा चौक सुमानी बिल्डिंग लुधियाना में किया जा रहा है। इस संगीत में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आचार्य श्री हरि कृष्ण जी महाराज हरिद्वार वाले द्वारा कथा व्यास की जाएगी। इस आयोजन की तैयारियों संबंधी आज एक विशेष मीटिंग की गई। सभी लुधियाना निवासियों को ये सूचित करते हुए हमें अति खुशी हो रही है कि श्री ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में दिनांक 25 फरवरी से मार्च 3 तक भगवान कृष्ण भागवत कथा पंडित हरि शास्त्री जी द्वारा हरिद्वार वाले जो स्पेशल आ रहे हैं लुधियाना में, उनके द्वारा जो कथा है वो रखी जा रही है। समय है उसका सुबह 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। जो भी सज्जन लुधियाना निवासी नगर निवासी इस कथा का आनंद लेना चाहते हैं वो 3 बजे से पहले ही पहुंचने की कृपा करें ताकि वो अपनी कथा का आनंद ले सके और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक कोशिश करें। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। जिन शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज कोकिल कंटी सरस्वती पुत्री शाने मंगलदेश डॉक्टर साध्वी श्री सोया शाह जी महाराज वीर शिरोमणि श्री प्रगति जी महाराज ठाणे 8 कल जैन स्थानक सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना से विहार करके खन्ना गोविंदगढ़ सरहंद राजपुरा होते हुए अम्बाला पहुँच रहे हैं। अम्बाला में 22 अप्रैल को भव्य महोत्सव हो रहा है। उत्तर भारतीय परिवर्तनी महाश्रमणी गुरुणी श्री सुधाजी महाराज का परिवर्तनी पद महोत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही साथ दीक्षाओं का भी आयोजन हो रहा है जिसमें भारी संख्या में साधु साध्वी वृंद पहुंच रहे हैं। आप सभी सब परिवार इस भव्य महोत्सव में पहुंचकर साधु साध्वी वृंद का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र।